भाई कन्हैया राज जी से मेरा निवेदन है कि दो चार मुक्तक के माध्यम से अपने वो मुक्तम, ये आदरणीय सांसद जी, ये हमारे राजगढ़ ब्यावरा एक क्षेत्र है जो हमारे माननीय दिग्गी राजा का क्षेत्र कहलाता है, उनके क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आकर अपनी वानगी के रूप में दो चार मुक्तक यहाँ पर प्रेरित करें। बस कबीर साहब ने कहीं लिखा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उस प्रेम की परिभाषा को एक मुक्तक के माध्यम से आपके बीच रखता हूँ, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। प्रेम की तासीर क्या है, प्रेम की क्षमता क्या है, मथुरा की इस पावन भूमि से मैं आपके बीच रखता हूँ कि प्रेम अनजाने से पहचान बना देता है, प्रेम अनजाने से पहचान बना देता है, प्रेम एक दूसरे की जान बना देता है, प्रेम का मोल बयां कैसे करूं शब्दों में, प्रेम का मोल बयां कैसे करूं शब्दों में, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपका समर्थन कम मिला, एक मुक्तक और इसी मिजाज का, जिंदगी में कई तूफान लिए फिरता हूँ। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उथल पुथल है, जिंदगी में कई तूफान लिए फिरता हूँ, फिर भी होठों पे मैं मुस्कान लिए फिरता हूँ, तुम उसे ढूंढो रोज मंदिर और मस्जिद में, मैं तो पलकों में ही भगवान लिए फिरता हूँ, मैं तो पलकों में ही भगवान लिए फिरता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक मुक्तक और, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रेम किया होगा, उस प्रेम के पल को याद करना और कन्हैया राज का मुक्तक सुनना। मैं तो कतरा हूँ समंदर की प्यास रहती है, मैं तो कतरा हूँ समंदर की प्यास रहती है, बिन तेरे मेरी ये दुनिया उदास रहती है, एक अरसा हुआ है तुझसे मुझे बिछड़े हुए, अब भी लगता तू मेरे आस पास रहती है, अब भी लगता तू मेरे आस पास रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।